तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेसवा एकेडमी द रेस ऑफ चैंपियन। तो गाइस वंस अगेन आप सभी का स्वागत है पॉलिटेक्निक के नंबर वन स्टडी चैनल रेसवा एकेडमी में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक में जो है गवर्नमेंट कॉलेज या सरकारी कॉलेज कैसे मिलता है, इसका कंप्लीट प्रोसेस क्या है। कर क्योंकि हमने खुद अपने बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ाया, हमने खुद गवर्नमेंट कॉलेज में जो प्रोसेस जो सीढ़ियाँ चढ़ के एक गवर्नमेंट कॉलेज में हम पहुंचे उसके लिए क्या क्या चीज़ें स्टेप होती हैं जिसके द्वारा आप अपना बेहतरीन मंजिल जो बेस्ट कॉलेज होगा या बेस्ट ब्रांच होगा वो पाते हो आप। बहुत सारे लोगों को चीज़ें पता होंगी, बहुत सारे लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, तो फुल प्रोसेस में समझाने जा रहा हूँ कि कैसे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होता है पॉलिटेक्निक के। तो इसके लिए सबसे फर्स्ट स्टेप पर आपको करना होगा फॉर्म का फिलिंग, आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। ये आपको पता है कि फॉर्म भरेंगे, फॉर्म जैसे आप भर लेते हैं तो फॉर्म में आप कहीं पे भी साइबर कैफे से या खुद से भी भर लो, ये कोई मैटर नहीं है। फॉर्म की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है आप 14 साल के होने चाहिए और क्लास 10th पास होने चाहिए, या फिर अभी कर रहे हैं तो भी भर सकते हैं, ठीक है। फॉर्म भरने के बाद आपका होगा एग्जाम, फॉर्म भरने के बाद एग्जाम डेट आती है और उस एग्जाम डेट में आपका एग्जाम होता है। एग्जाम मैक्सिमम ऑफलाइन मोड में ही होता है, यानी कि OMR सीट पे होती है जिसमें कलर करने रहते हैं बॉक्सेस को कि पहले का बी होगा तो बी कलर कर लिए, ठीक है। आप ऑनलाइन एग्जाम दोगे ऑफलाइन एग्जाम दोगे वो आपके एडमिट कार्ड पे आ जाएगा, क्योंकि ग्रुप ए में जैसे होता है सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के तो अभी तक तो ऑफलाइन हो रहा है। कुछ ग्रुप हैं जैसे आगे के ग्रुप आते हैं आपका लेटर एंट्री वगैरह का, तो कुछ हैं जो आपका ऑनलाइन करवा लेते हैं। तो ये ऑफलाइन ऑनलाइन होगा वो मैं आपको बता दूंगा जो आपका ग्रुप होगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे आप एग्जाम दे लिए, बस एग्जाम देने के बाद आएगा आपका रिजल्ट। रिजल्ट आने के बाद देखो रिजल्ट तो सबका आएगा जो भी एग्जाम दिया है, कुछ लोगों का बढ़िया रिजल्ट आएगा, कुछ लोगों का थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि उन्होंने कहीं और पे टाइम वेस्ट कर दिया, अच्छी पढ़ाई नहीं की होगी या तो उन्हें सही चीजें मालूम नहीं होगी। तो रिजल्ट आने के बाद ऐसा नहीं कि आपका तुरंत सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो गया, है ना। रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद एक सिस्टम बना है जिसको हम लोग बोलते हैं काउंसलिंग, हाँ ठीक है। काउंसलिंग जो होता है इसमें आपका काउंसलिंग कहलाता है। काउंसलिंग में आपको पूछा जाता है कि भाई आप हमें बताओ आप गवर्नमेंट कॉलेज कौन सा चाहते हो, कौन सा ब्रांच चाहते हो। तो आप एक लिस्ट भरोगे गवर्नमेंट के वेबसाइट पे कि नहीं पहले नंबर पे मुझे ये चाहिए, दूसरे पे ये चाहिए, तीसरे पे ये चाहिए, ये नहीं मिला तो ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। तो आप 25-50 जितने भी चॉइस होंगे अपने नंबर के अकॉर्डिंग काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग करते हैं। जैसे सबकी चॉइस होती है ना कि मुझे कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए या कौन सा ब्रांच चाहिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं काउंसलिंग में ही चॉइस फिलिंग होती है। जैसे आप चॉइस फिलिंग कर लेते हो अब आता है आपका इसका रिजल्ट कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट किया गया है, इसे बोलते हैं सीट अलॉटमेंट, है ना। सीट अलॉटमेंट आता है, जैसे आप चॉइस फिलिंग कर लेंगे आपको एक सीट अलॉट कर दिया जाएगा आपके दिए गए चॉइस फिलिंग में से। इसके बाद आपको पसंद है वो सीट या वो कॉलेज तो ठीक है आप उसी से एडमिशन लोगे, नहीं पसंद है आप नेक्स्ट लेवल के लिए फिर से अपग्रेड करोगे कि नहीं नहीं सर ऐसा जो आपने बोर्ड ने हमें कॉलेज दिया है या ट्रेड दिया है मुझे पसंद नहीं है, मैं फिर से इसे चेंज करना चाहता, तो चेंज भी कर सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको अपग्रेड करने का ऑप्शन आएगा आपके वेबसाइट पे। ये अभी नहीं है, जो कर रहा होगा उसके लिए है, है ना। सीट अलॉटमेंट के बाद एक और जो फाइनल यह सबसे मेन फंडा है जहाँ पे जाके बहुत सारे लोगों को दिक्कत होता है, सीट अलॉटमेंट होने के बाद भी एक बेस्ट कह लीजिए टॉप है यहाँ पे DV होता है आप लोगों का, क्या DV, हाँ DV मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपके सारे मूल प्रमाण पत्रों की जांच होगी कि आपने जो जो बताया है, आपका आय सही है, जाति सही है, निवास है, हाई स्कूल इंटर है, आपका आधार कार्ड सही है, आपका फॉर्म सही है, वो सब कुछ चेकअप होगा। अगर आपका डॉक्यूमेंट सारा रेडी है, हालांकि इसमें ज़्यादा लोगों को दिक्कत नहीं होता, अगर डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो ठीक है। जैसे डॉक्यूमेंट्स रेडी होगा उसके बाद आपकी एंट्री हो जाएगी कहाँ पे, गवर्नमेंट सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में। ये आप देख रहे हैं इसके लिए आपको कौन कौन से फीस को पास करके यहाँ पे सरकारी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में जाके आप सीढ़ियाँ चढ़े हैं। तो इस तरीके से आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन ले पाओगे और एडमिशन काफ़ी शानदार होता है, मज़ा भी आता है। इसमें ना सिर्फ आपको प्राउड फील होगा, आपके घर वालों को प्राउड फील होगा,
आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हो जहाँ पे लाखों स्टूडेंट सपना देखते हैं जाने का, आप अगर अपनी मेहनत से जा रहे हो तो आपको तो अच्छा लगेगा ही, साथ ही आपको फैमिली को ज़्यादा प्राउड फील होगा कि हाँ मेरा बेटा या मेरी बेटी गई है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ाई करने। तो इस तरीके से आपका काफ़ी ज़्यादा मान सम्मान भी बढ़ता है। इसके लिए आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, एक एक चीज़ें में आपको अलग से पता है आपको कि हमने यूपी पॉलिटेक्निक में फर्स्ट बैच में 1500 लड़कों को भेजा है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में, बिहार में 2500 लड़के, तो ये छोटी संख्या नहीं है। आपको वही पढ़ना है जिस टाइप का एग्जाम में आता है, और ऐसा नहीं कि 100% आप जो पढ़ोगे वही आ जाएगा, उसके जैसा आता है। आपने परसेंटेज पढ़ा तो उसी के बेस्ट क्वेश्चन आएंगे, आपने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा, आपने लेंस पढ़ा है तो उसी के बेस्ट आएंगे, वैल्यू चेंज होंगे, क्वेश्चन चेंज होंगे, लेकिन फार्मूले या कॉन्सेप्ट नहीं बदलते। तो वो बेहतरीन नॉलेज आपको बहुत बारीकियों से होना चाहिए कि आखिर क्वेश्चन पूछ कैसे रहा है। हालांकि हम तो करवा ही रहे हैं, हमने खुद गवर्नमेंट कॉलेज से किया और अपने बहुत सारे स्टूडेंट को करवाया, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। अगर आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में जाना ही चाहते हो, आपको और भी ज़्यादा हेल्प चाहिए, तो आप हमारे नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर भी मैं और बहुत सारे आपके काम की चीज़ें जो हैं अपडेट करवा दूंगा, ठीक है। दोनों नंबर पे कॉन्टेक्ट कर लीजिए अगर आप पॉलिटेक्निक की पूरी तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, पॉलिटेक्निक करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, आपके फ़ायदे क्या हैं वो जानो। आपकी टोटल पढ़ाई फ्री में होगी। अब आप सोचो कि कैसे टोटल पढ़ाई फ्री में कैसे, भाई हम अपना खुद एग्जांपल बताता हूँ। मैंने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में 10,700 रुपये में एडमिशन लिया पूरे एक साल का फीस देकर, और मुझे गवर्नमेंट ने रिटर्न गिफ्ट किया कितना, 13,000 समथिंग, यानी कि 3,000 से ज़्यादा मुझे एक्स्ट्रा मिला जितना मैंने फीस में लगाया। और ये आपको अच्छे से पता है कि गवर्नमेंट अब स्कॉलरशिप देती है, अगर आपका स्कॉलरशिप मिल जाता है तो आपका फीस पूरा का पूरा रिटर्न हो गया और प्लस आपको स्कॉलरशिप अलग से मिल जाती है, तो लगभग लगभग 3,000 का फ़ायदा आपका हो जाता है। अगर आपको थोड़ा पढ़ाने का शौक़ है तो आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में जाने के बाद थोड़ा पहले माहौल का वहाँ पर देख लेंगे क्या चीज़ कैसे है, आपको आराम से कोचिंग मिल जाएगी, तो एक घंटे भी पढ़ा लोगे तो 2,000 का काम आपका हो जाएगा। अगर एक दो ट्यूशन दे दे रहे हो तो 3-4 हज़ार रुपये जो महीने आपका मंथली खर्चा है, घर से भी आपको लेना नहीं पड़ेगा, आपका काम भी हो जाएगा। आप कोशिश करना पहले जहाँ भी जाना एक महीना सेटल होना, आसपास की चीज़ों को समझना कैसे है, कैसी फैमिली है, और उसके बाद अगर आपको लगेगा कि हाँ अभी मुझे नीड है तो आप पढ़ा भी सकते हो, टीचिंग एक घंटे शाम को दे लीजिए या जब भी आपको टाइम मिले, है ना। हमने आपके अपने चैनल के माध्यम से बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि स्टूडेंट लोग का हेल्प हो पाए और वो बेहतरीन नॉलेज से जुड़े रहे, तो इसी तरीके की आपकी तैयारी भी हम करवाते रहेंगे, सारा वीडियो के माध्यम से अपडेट से भी आपको देते रहेंगे। ऑल दी बेस्ट है आप सभी लोग, अपने अपने सभी दोस्तों को सभी ग्रुप में एक बार मेरे कहने पे इस वीडियो को शेयर करेंगे। इसके अलावा जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, वीडियो को लाइक करके हमें और भी इसी तरह मोटिवेट करते रहिए।